हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना और आज मैं हिमालय के प्रोडक्ट्स पर रिव्यू करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स को लेकर। मेरी बेटी इताशा को मैंने जब से उसका बॉर्न हुआ है उसके बाद से हम हिमालय के ही बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। और क्योंकि जब इताशा हुई थी उसके बाद हमने डॉक्टर से पूछा था, क्योंकि उस टाइम जॉनसन एंड जॉनसन का बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। न्यूज़पेपर्स एड्स में हमेशा आते रहते थे कि जॉनसन के प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स के पास गए कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें कि हमारे बेबी को अच्छा हो एंड वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। तो डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया कि आप हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, बहुत अच्छे हैं। एंड हमने स्टार्ट किया, हमने हिमालय के पाउडर, क्रीम, लोशन, रैश क्रीम, सोप, शैम्पू, देन अभी हमने इसके लिए मसाज ऑयल, बेबी मसाज ऑयल भी हमने अभी लिया है। पहले हम डाबर लाल लगाते थे, ऑलिव ऑयल लगाते थे, तो अब हमने ये लिया है। तो ये भी बहुत अच्छा है, जो जब भी मैं इसको ताशा को लगाती हूँ तो इतना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर, बिल्कुल ही स्मूथ है। सूथ टू स्किन है, बहुत अच्छा है बेबीज़ के डेलिकेट स्किन के लिए, बहुत अच्छा है। पूरी तरह से हर्बल है, नेचुरल है, इसमें ऑलिव ऑयल भी है एंड जो नेचुरल स्किन ऑयल होती है वो भी है। हाइपो एलर्जिक है, जिससे बच्चे को एलर्जी नहीं होगी। और एक बार आप ज़रूर बच्चे को यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। बच्चों की स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा है, एकदम हल्का स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। और मुझे बहुत पसंद है इसका स्मेल, बहुत ही हल्का सा स्मेल आता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। एज अ मिडिल क्लास हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ की कीमत क्या होती है। और अभी जब आप ऑनलाइन देखो या फिर आप मार्केट में जाओ तो बेबीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगे हैं। कुछ जो प्रोडक्ट्स आते हैं बेबीज़ के जो बहुत अच्छे हैं नो डाउट, पर बहुत महंगे हैं, जो कि हमारे बजट के बाहर हो जाता है। क्योंकि ये एक बार परचेज़ नहीं है, हर एक दो महीने में हमें परचेज़ करना ही पड़ता है। तो अगर आप हिमालय में एक बार स्विच करके देखिए, हिमालय के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखिए, मुझे लगता है कि आप भी ज़रूर सेटिस्फाइड होंगे इस प्रोडक्ट से। आज का जो मैं ये वीडियो कर रही हूँ ये बिल्कुल मेरा पर्सनल व्यूज़ है हिमालय की तरफ से। मुझे कोई कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसकी मैं रिव्यू कर रही हूँ। एज अ मदर मुझे लगा कि मुझे ये रिव्यू करना चाहिए। मेरे जैसे बहुत सारी मॉम्स हैं जिनको पता नहीं है, जो चाहती हैं कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट अपने बेबी के ऊपर यूज़ करें पर पता नहीं चलता कि क्या यूज़ करें। तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप अपने बेबी के स्किन के ऊपर कौन कौन से क्रीम और क्या यूज़ करते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर हो जाती हूँ। तो चलिए ठीक है, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलने आ जाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।